आनंद विभाग द्वारा जरूरतमंदों की मदद के उद्देश्य से शुक्रवार को शहर के सनाउत रोड पर आनंदम केंद्र की शुरुआत अतिथियों द्वारा फीता काटकर की गई। संस्था पदाधिकारियों के साथ नगरपालिका अध्यक्ष छाया जोशी ने केंद्र की शुरुआत की। शुभारंभ अवसर पर केंद्र ने बताया कि इस केंद्र पर स्थानीय प्रशासन जनप्रतिनिधियों की मदद से जरूरतमंदों को कई तरह की सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कई जिलों में इस तरह के केंद्र खोले गए हैं, जहाँ रहवासी अनुपयोगी सामग्री इन केंद्रों में रख सकते हैं। जरूरतमंदों को यह भी सामग्री उपलब्ध करा दी जाती है। दीवारों पर सबसे ज़्यादा कपड़े टांगे जाते हैं। इसके अलावा लोग यहाँ खेल सामग्री, कॉपी किताब, खिलौना, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान इत्यादि सामग्री भी रख सकते हैं। इस अवसर पर आनंदम संस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर के पी तिवारी, नोडल अधिकारी इशिता जैन ने अतिथियों का शाल श्रीफल कर फूल मालाओं सम्मान किया है। खिरगांव से ब्यूरो की रिपोर्ट। ये आनंदम केंद्र की शुरुआत मुख्य अतिथि आदरणीय छाया जोशी मैडम जी, जो कि खरगोन शहर की ये शासन की योजना है आनंदम खुशहाली घर, और ये बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि है ना, जो भी उपयोगी चीज़ें अपने पास घर में ज़्यादा होती है और उनका उपयोग नहीं करते, उन उपयोग सामान को यदि यहाँ आनंद केंद्र में रखेंगे तो कम से कम जिनके पास नहीं सामान है उनको यहाँ से सामान जाएगा, तो बहुत अच्छी पहल है। और अपने खरगोन ज़िले में ये पहला आनंदम केंद्र बना है, और हमें तो इतनी खुशी है कि गरीबों को या किसी भी ज़रूरतमंद को यहाँ से सामान जाएगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। और इन सबका धन्यवाद है जो यहाँ आनंदम केंद्र को विकसित किया। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि है ना, जो बोला ना, कचरे की गाड़ी पे हम एक वो एड दे देंगे तो उसमें क्या होगा कि सारे शहर को मालूम हो जाएगा, और जो उपयोगी चीज़ें ज़्यादा उनके घर में हैं वो आके यहाँ पर रख जाएंगे, तो जिसको भी ज़रूरत रहेगी वो ले जाएगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। और मेरे जो जनप्रतिनिधि पार्षद हैं वो इतने अच्छे हैं कि वो अपने हर वार्ड में, मतलब वार्ड में सब ये इसका प्रचार प्रसार करेंगे। ये मध्य प्रदेश शासन का एक आनंद विभाग राजानंद संस्थान के द्वारा जो संचालित है, और हमारे भारत का पहला राज्य है जो आनंद विभाग द्वारा संचालित किया गया है, हैप्पीनेस डिपार्टमेंट। और इसका कॉन्सेप्ट यह है कि हमारे घरों में का तमाम सामान ऐसे होते हैं कि जो जैसे दूसरा सामान आता है तो पहले वाले सामान की उपयोगिता नहीं रह जाती है, तो जो हमारे घर में आवश्यकता से ज़्यादा है उसको हम इस केंद्र में छोड़ दें, और जिनको ज़रूरत है उस सामान को वहाँ से ले जाएं। और ये पूरे मध्य प्रदेश में पहले, अभी 172 आनंदम केंद्र हैं जो पूरे मध्य प्रदेश में संचालित हैं। 80 कवर्ड स्थान पर है, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि जो खुले में आनंदम केंद्र हैं उसको हम जिला प्रशासन से और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे समाज सेवी लोग हैं, उनसे एक पहल करके और उसको हम सभी आनंदम केंद्रों को एक कवर्ड स्थान पर लाएँ। और कवर्ड स्थान में खाली वो कपड़े का ही केंद्र ना रहे, हम उसमें बर्तन बैंक है और पुस्तक बैंक है, कपड़ा है, तो जो भी हमारे समय उसमें है। और हम कई ज़िलों में, जैसे हमारे देखें कि अभी उमरिया में, मंडला में, कटनी में, ग्वालियर में, तो ये कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पे मल्टीपर्पस हो चुका है। और हमारे इसमें ऐसे इस आनंदम केंद्र में, जो हमारे पहले नेकी का दीवार का जो नाम था, अब उस नेकी की दीवार से इसको आनंदम केंद्र नाम इसलिए दिया गया है कि हम इसमें सोशल गतिविधियाँ भी कर सकें, और पहली से लेकर के और PSC तक की हम परीक्षाएं भी जो संचालित करते हैं बच्चे जो देते हैं, तो उनके पास में पैसा नहीं होता कि उतनी राशि वो दे सकें। तो हमारे कई केंद्रों में PSC तक की कोचिंग निःशुल्क चलाई जाती है, और हम जिला प्रशासन और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, जो हमारे आनंदम क्लब वाले हैं या जो हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि, हम सभी से आग्रह करेंगे कि इस केंद्र को भी उसी दिशा में ले जाएँ और सभी को उसमें सहयोगता मिल सके। डॉक्टर KP तिवारी, स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर राजानंद संस्थान, आनंद विभाग, भोपाल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।